स्वाट टीम ग्रामीण व थाना मोदी नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो बाइक सवार अपराधियों से हुई मुठभेड़ में एक अपराधी चैन स्नैचर गोली लगने से घायल हुआ। गिरफ्तार एक अभियुक्त भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार अभियुक्त से अवैध शस्त्र और लूटी हुई चैन व रुपए बरामद किए गए। स्वाट टीम ग्रामीण व थाना मोदी नगर पुलिस द्वारा शाहजहांपुर रोड मोदी नगर रोड के पास दो बिना नंबर की काली पल्सर पर सवार अपराधियों और स्वाट टीम ग्रामीण और थाना मोदी नगर पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी अनुज पुत्र हरि सिंह निवासी मलियाना थाना टीपी नगर मेरठ पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुआ और एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त अनुज पर लूट की चोरी गैंगस्टर और हत्या का प्रयास आदि के करीब एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं और मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त अनुज ने बताया है कि मैंने अपने पल्सर से भागे हुए साथी रवि वर्मा के साथ मिलकर मोदीनगर गाजियाबाद से करीब आधा दर्जन चैन अलग अलग स्थान से रोड पर आने जाने वाली महिलाओं से छीनी थी और उसके अलावा हमने हापुड़ मेरठ व गाजियाबाद शहर क्षेत्र से चैन लूटने की घटनाओं को अंजाम दिया है। विगत दिनों थाना क्षेत्र मोदी नगर अंतर्गत हुई चैन स्नैचिंग की घटनाओं के दृष्टिगत आज दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को थाना मोदी नगर की पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। गदाना के पास चेकिंग करते हुए दो पल्सर बाइक सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वे वहाँ से चकमा देकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा जब इनका पीछा किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें बाइक पे पीछे बैठे व्यक्ति को दाहिने पैर में गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। घायल व्यक्ति से पूछताछ करने पर इसने अपना नाम अनुज जो कि मेरठ का रहने वाला है बताया। इसके द्वारा विगत दिनों थाना मोदी नगर में हुई चैन स्नैचिंग की घटना को कारित करना अपने साथी के साथ मिलकर कारित करना स्वीकार किया गया। जब इससे इस आपराधिक इतिहास की इसकी जानकारी की गई तो इसके विरुद्ध एक दर्जन से अधिक मुकदमे लूट डकैती शस्त्र अधिनियम नकबजनी आदि के विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर इसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। दूसरे फरार अभियुक्त की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के पांच अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयां और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयां। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।